तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि एम्स में इस कोर्स के लिए, पैरामेडिकल कोर्स के लिए कोई भी सीट अलॉटमेंट तो हो जाता है, फिर उसके बाद हॉस्टल अलॉट होता है या फिर नहीं होता है। तो ये जो जैसे हमारा ये एम्स नागपुर है, तो यहाँ पे पैरामेडिकल स्टूडेंट को इस बार से, मतलब पिछले जो 2021 बैच वाले सीनियर थे उनको अलॉट हुआ है। इस बार जैसे मेरा 2022 बैच वाला है तो हमको भी हॉस्टल अलॉट हुआ है। लेकिन सारे एम्स में क्या पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट होता है या फिर नहीं होता? तो बाकी सारे एम्स में बहुत सारा ऐसा एम्स है जिसमें नहीं होता, और बहुत कुछ कुछ ऐसे एम्स है जहाँ पे हॉस्टल अलॉट होता है। तो आपको जिस एम्स में भी आपका ऐसा अलॉटमेंट होता है या फिर जिस एम्स के बारे में आप जानना चाहते हो, तो वहाँ के सीनियर से आपको पता करना होगा कि वहाँ के एम्स में हॉस्टल अलॉट होता है या फिर नहीं होता। लेकिन अगर हम जैसे अभी हम एम्स नागपुर में, तो एम्स नागपुर का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को हुआ है, लेकिन आगे चल के होगा या फिर नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी जैसे 2022 वाला जो बैच है हमारा, तो 2022 में अभी तक मेरा हुआ, तो इसके बाद जो भी अगर स्टूडेंट आते स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में, तो उनका भी होगा। जब हमको हॉस्टल मिला तो उनको भी मिलेगा। बाकी दूसरे एम्स का मुझे कोई कुछ ऐसा नोटिफिकेशंस नहीं है और ना ही मुझे पता है। और अगर प्रत्येक एम्स के बारे में आपको जानना है, तो उस एम्स के किसी सीनियर से आपको पता करना होगा कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और बाकी अगर नर्सिंग का देखा जाए, तो नर्सिंग में भी जैसे यहाँ पे नर्सिंग का भी क्लास चलता है, तो नर्सिंग वालों को भी हॉस्टल अलॉट हुआ है। पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ है। आगे का कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता है। आगे कोई भी अगर ऐसा नोटिस आएगा तो फिर उसमें हो जाएगा कि हॉस्टल अलॉट नहीं होगा। तो हम फ्यूचर का बात नहीं करेंगे, अभी प्रेजेंट में हॉस्टल अलॉट हो रहा है 2022 बैच वालों का। 2023 में होता है या फिर नहीं होता है, जैसे ही अगला अपडेट मुझे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि 2023 में हॉस्टल अलॉटमेंट होने वाला है, तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा।